कंपनी HCL टेक के जो है दूसरे तिमाही के कल नतीजे आने वाले हैं और देखा जाए तो इस साल जो है स्टॉक लगभग 30% गिर चुका है और वैल्यूएशंस की बात करें तो FY24 की जो पी रेशियो है वो लगभग 16 गुना पे है। अब आंकड़ों की बात करें तो अनुमान में जो है डॉलर रेवेन्यू जो है लगभग सपाट 1% का ग्रोथ रहेगा और जो कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो लगभग 3% का अनुमान है। मार्जिन में हालांकि सिक्वेंशली 40 बेसिस पॉइंट्स का अपटेक देखने मिल सकता है, लगभग 17% का ग्रोथ रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जो कंपनी की जो ग्रोथ आने वाली है वो आपके आने वाली है सर्विसेज बिजनेस में, और इसके अलावा अनुमान है कि प्लेटफॉर्म बिजनेस में ज़रूर थोड़ी इम्पैक्ट देखने मिल सकती है क्योंकि सीजनैलिटी आ रही है। इसके अलावा जो है ऑफकोर्स क्रॉस करेंसी हेडविंड्स रहेगी जहाँ पे मार्जिन में लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट रहेगा, और कंपनी ने जो है सैलरी की जो है हाइक्स ली है तो उसके कारण 80 से 90 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में दबाव देखने मिलेगा। अब अनुमान है कि जो ओवरऑल गाइडेंस है कंपनी का वो जो है वही रहने वाला है, कुछ बढ़ाने वाले की जो है एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और जो डील साइज़ की बात करें तो लगभग $2 बिलियन का डील साइज़ का एक्सपेक्टेशन रहेगा। अब गाइडेंस की बात करें तो FY23 के लिए जो कंपनी ने गाइडेंस दी है कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ में लगभग 12 से लेकर 14% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ का जो है गाइडेंस दिया गया है, और यहीं पर कामकाजी मुनाफे जो एबिट मार्जिन है वहाँ पे लगभग 18 से 20% का गाइडेंस दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात आगे जाते हुए ऑफकोर्स यही रहने वाली है कि क्या गाइडेंस रहेगा, स्पेशली प्रोडक्ट बिजनेस की आउटलुक को लेके, क्लाइंट कन्वर्सेशन कैसी है, डील पाइपलाइन कैसा, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि अट्रिशन पीक हुआ है कि नहीं।